मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। लोकसभा के चुनाव जारी है और दो फेज के चुनाव हो चुके हैं और तीन जो फेज के चुनाव अभी बाकी है। और जिस तरीके से देश का माहौल है, नफ़रतें फैल रही है, नफ़रतों का बाज़ार गर्म है, और उसके अलावा जो हेड स्पीचेस है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय नाराज़ है। और अगर हम बात करें कल्याण लोकसभा की, तो कल्याण लोकसभा में भी महाविकास आघाड़ी और एनडीए के दोनों उम्मीदवार मैदान में है। और आज हम बात करेंगे एमआईएम के अध्यक्ष सैफ पठान से कि यहाँ से कोई भी कल्याण लोकसभा से एमआईएम का कोई उम्मीदवार नहीं है, तो आखिर एमआईएम किसको समर्थन करेंगी, क्या उनका रुझान रहेगा। खास करके देखा जा रहा है कि लोगों में एक कन्फ्यूज़न है, एक असमंजस है कि अगर वोट दिया जाए तो किसको वोट दिया जाए। हम बात करेंगे सैफ पठान से। सैफ भाई, क्या कहेंगे, जिस तरीके से देश का माहौल है और लोग अभी एक कन्फ्यूज है कि ये जो इलेक्शन है खास करके मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए कि वाकई में ये जो इलेक्शन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ये यानी पूरे देश के लिए बहुत मायने रखता है ये इलेक्शन का। सब इसको इम्पोर्टेंस ही दे रहे हैं और हम लोगों को भी यानी उसी तरीके से इसको इम्पोर्टेंस दे करके इस बार वोट करना चाहिए। हम लोगों को वोटिंग के लिए निकलना चाहिए। एमआईएम का कोई उम्मीदवार नहीं है, इसको एमआईएम सपोर्ट करेंगी, क्या कहेंगे? देखिए, अभी 3 तारीख तक का टाइम है फॉर्म फिल करने का, तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। अभी तो हमारे यानी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं है और शायद आए भी ना इसके लिए। फिर भी लेकिन 3 तारीख तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं, अच्छी बात नहीं। इंशाल्लाह 3 तारीख के बाद हम बताएंगे। अभी तो हम लोग का जो पहले से हम लोगों का एक बना हुआ था, हमारी पार्टी की एक जो सोच बनी हुई थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, हम उसी पे कायम है कि इस बार हम लोग को बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान करवाना है। एक बात अगर हम कल्याण लोकसभा की करें तो यहाँ पे दो उम्मीदवार हैं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और वैशाली दरेकर, जो इंडिया अलायंस है। तो लोगों में भी एक कन्फ्यूज़न है कि आखिर वोट किसको दे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं बस ये कहूँगा कि इस बार हमको बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना है, क्योंकि बीजेपी को एक वोट भी हमारे खिलाफ़, आपको पता होगा किस तरीके से पिछले यानी 10 सालों में हमारे खिलाफ़ साजिशें रची गई, किस तरीके से यानी संसद के अंदर हमारे खिलाफ बिले प्रोड्यूस किए गए और उसे बहुमत से पास किया गया। तो हमारा एक वोट भी अगर हम कोई एक कैंडिडेट को भी चुन के देते हैं और वो एक नंबर भी उनके उधर बढ़ता है तो हमारे खिलाफ़ यानी वो बिल के अंदर यानी उसका रोल रहेगा जो पहले भी रहा है। तो हमको बहुत सोच समझ कर इस बार वोट करना है। हमको यही देखना है कि हमको इस बार बीजेपी को हराने के लिए पूरा यानी जो सेकुलर जो यानी आवाज़ें हैं सब एक तरफ हो रही है कि भाई इस बार बीजेपी को पहले हटाए, तो हमको उसके खिलाफ ही वोट करना है। अभी इस 10 साल की सरकार से पहले अगर दूसरी सरकार की बात करें तो मुसलमानों को हर सरकार में फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्या कहेंगे? ठीक है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ लेकिन इस बार नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। हम जानते हैं, हमारे तो यानी आपने सुना होगा, हमारी तो पार्टी हमेशा यही कह रही है कि हमारे जो खुले दुश्मन हैं उनसे छुपे हुए दुश्मन हमारे ज़्यादा हमारे लिए घातक रहे। लेकिन इस बार हमारे को यानी वोट फिर भी करना ही है। आपको पता होगा कि किस तरीके से देश का माहौल जो क्रिएट किया है, जो ये मोदी सरकार ने जो माहौल क्रिएट किया है, किस तरीके से यानी जहाँ पर कानून लाए गए हैं हमारे यानी शहरियत में उनका दाखला यानी करने की कोशिश की गई है, हमारे खिलाफ़ कानून लाए गए, हमारी मस्जिदों के खिलाफ आज भी यानी आप देखिए ज्ञानवापी की मस्जिद के खिलाफ यानी लोगों का चल रहा है। आप यही कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए कि हाजी मलंग के खिलाफ यानी कितना चल रहा है श्री मलंग बनाने का। तो ये ताकतों के खिलाफ हमको इस बार वोट करना है। 400 पार का आंकड़ा है जो भाजपा का, उसमें मुसलमानों का कितना रोल रहेगा? देखिए, इंशाल्लाह ताला 400 तो क्या, इस बार यानी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। और मुसलमान पूरे देश से, देखिए मुसलमान ही नहीं जो भी सेकुलर सोच रखता होगा वो इस बार मोदी के अगेंस्ट वोट करेगा, बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेगा। मैं सिर्फ यानी एक ही को नहीं कहूँगा इस बार, सब देखिए नांदेड़ जैसे छोटे शहर ने 100% वोट किया उन लोगों ने पोलिंग की, इसी तरीके से अगर हमने पोलिंग की तो इनको कहीं ना कहीं हम पीछे कर सकते हैं और हमारे वोट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। वोट की ताकत को समझना होगा जैसे नांदेड़ के लोगों ने सोचा समझा। हमेशा मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज कम ही रहा है, क्या कहेंगे? उसी का नुकसान, उसी का खामियाजा हम लोगों ने पिछले यानी इतने सालों में भुगता है। हमने कभी भी हमारी यानी जो ताकत है वो सही से हमने दिखाई नहीं पाई, हमने वहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं करी कि हम क्या ताकत और क्या वैल्यू रखते हैं। उसी का खामियाजा आप देखिए कि अभी यही क्षेत्र में देखिए कि कोई प्रचार सही से हो रहा नहीं है, क्योंकि तुम अपनी गिनती अपनी वैल्यू ही नहीं बताते हो। जिस तरीके से मैं वापस से अपील करूंगा, देखिए मैंने हमेशा अपील की है कि अपने वोट की ताकत को समझिए और घरों से निकल के वोट करिए,
उसी तरीके से हमको इस बार अपना वोट करके बताना पड़ेगा कि यानी हमारी वोट की ताकत है और हम चाहेंगे तो हम किसकी सत्ता बना सकते और किसकी सत्ता गिरा सकते। जब तक आप वो पावर अपना बताओगे नहीं तो यानी आप मार ही खाओगे, आपके खिलाफ कानून ही बनेंगे, आपकी मस्जिदों पे यानी जुल्म ही होगा, आप पे जुल्म ही होगा। तो उसको रोकने के लिए इस बार हमको मुसलमानों को स्पेशली यानी सेकुलर पूरी सेकुलर सोचों को लेकिन मुसलमानों को स्पेशली अपने वोट की ताकत बतानी होगी। जिस तरीके से मुमरा कोसा की जनता है, जो वोटर्स है, उनका कहना है कि दोनों उम्मीदवार हमारे फेवर के नहीं है, वो उनका एक ऐसा रुझान है कि वो नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध जताए, क्या कहें? देखिए, मैं नोटा के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। अगर आपको कोई आपके आबादी वाले एरिया में ये समझा रहा है कि आप नोटा मारिए तो समझ लीजिए वो डायरेक्टली बीजेपी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि नोटा आपका नंबर्स बढ़ाएगा आपके वोटिंग्स में यानी, लेकिन कोई काम में नहीं आएगा, कोई उसका नहीं होगा। हमको इस बार ये देखना है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, कौन उसके सामने टफ कैंडिडेट बन सकता है, हमको उसकी तरफ वोट डाल देना है। हम अपना वोट वेस्ट क्यों करें? हम पोलिंग बूथ तक अगर नोटा मारे ये मतलब का क्या? ये तो यानी वेस्ट ऑफ वोट है। आप वोट को वेस्ट मत करिए, आप अपना वोट डालिए, आप बीजेपी के अगेंस्ट डालिए। आप कम क्या रिजल्ट आता वो अल्लाह के हाथ में, लेकिन कम से कम अपने नंबर्स तो बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम उनको पता हो, नेक्स्ट टाइम वो आपके हाजी मलंग के बारे में बोलने से पहले सोचे। आप कम से कम अपने वोट की ताकत तो बताओ। आप नोटा मार करके तो उनका ही काम का आसान कर रहे हो। उनको मालूम है, बीजेपी को मालूम है कि इसे जहाँ पर हमारी आबादी है वहाँ से हमको वोट नहीं मिलने वाला, तो उनके एजेंटों को पैसा देकर के उन्होंने छोड़ दिया है। वो कोई भी शक्ल में छोड़ा होगा कि आप नोटा के लिए एडवर्टाइजमेंट करो, आप नोटा के लिए बोलो। तो वैसे लोगों से आप बचिए, आप अपना यानी खुद दिमाग लगाए और आप यानी इस बार अपना संविधान बचाने के लिए इस देश का, अपने शहरिया पे जो लोगों के यानी नज़र है उसको, जो लोग कानून के खिलाफ ला रहे हो वो बचाने के लिए, आपका अधिकार बचाने के लिए इस बार वोट करिए। भाजपा के सामने जो इंडिया अलायंस है, तो कहीं ना कहीं उस इंडिया अलायंस ने खास करके महाराष्ट्र में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, तो क्या लगता है किस तरीके से यहाँ का जो मुसलमान है वो इंडिया अलायंस को वोट करें? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं किसी को वोट करने नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी 3 तारीख तक का टाइम है, हम 3 तारीख तक इंशाल्लाह ताला कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा हम बताएंगे, और उसके बाद ही हम आपको बताएंगे किसको क्या करना है। मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि इस बार आपको वोट अपनी समझ से डालना है। जिस तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर किसको डालना है, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट्स है लेकिन इंडिया अलायंस ने यहाँ पर एक भी मुसलमानों को सीट नहीं दी। इनकी खुद पार्टी के आरिफ नसीम खान जो इनके यानी पुराने नेता है, गद्दावर नेता है, उन्होंने प्रचार से रिज़ाइन कर दिया। हमने तो उनको भी इनविटेशन दिया, हमारी पार्टी ने तो उनको भी इनविटेशन दिया। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने उनसे कहा है कि आप आ जाए हमारी पार्टी में, आप जहाँ से बोलोगे वहाँ से टिकट देंगे। हमारी पार्टी बोल रही, देखिए आपको सोच करके वोट देना होगा। अभी यानी मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी को वोट देना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 तारीख तक मैं किसी का कुछ बोलूँगा नहीं। 3 तारीख को जब हमारी पार्टी का फाइनल फैसला आएगा उसके बाद इंशाल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के हम बताएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको अपना हक समझना है, अपने वोट की ताकत समझना है, तो इस बार वोट करिए घरों से निकल करके। और जितना ये मैं सिर्फ मुमरा यानी कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश भर जहाँ तक मेरी ये वीडियो जा सकती है, आपका न्यूज़ जा सकता है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है, मैं उनसे अपील करूँगा कि आप घरों से निकल करके इस बार बीजेपी मुक्त करने के लिए वोट करिए। क्योंकि जो हाल पिछले 10 सालों में इस देश का हुआ है, जिस तरीके से हमारी जीडीपी डाउन हुई है, जिस तरीके से हम लोगों पे यानी देश कर्जे में चला गया है, जिस तरीके से देश के अंदर जगह जगहों पे दंगे हुए, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग सिंह होती है, जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश हुई, खुद हमारे शहर मुमरा के अंदर कभी नहीं हुआ और हमारे मुमरा शहर के अंदर कुछ रैलियाँ आकर के मस्जिदों के सामने नारेबाजी हुई, तो ये ताकतें हैं जो बढ़ रही है, जो यानी क्या कहते हैं कि जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने के लिए वोट करें इस बार। तो ये देश के लिए खास करके बहुत अहम इलेक्शन माना जा रहा है, बहुत अहम इलेक्शन माना जा रहा है। देखिए कि अगर इस बार हम नहीं जाके और हमने वोट नहीं किए ना, तो इस बार शायद जितने भी कानून अभी पेंडिंग पड़े जो इन लोगों ने इस बार पास नहीं करवा पाया वो पास करवा जाएंगे। तो हम लोगों को हमें समझना पड़ेगा और हम लोगों को समझ के वोट करना पड़ेगा। 70 सालों में ये पहला इलेक्शन जो इस तरीके से हो रहा है। जी बेशक, 70 सालों में पहला इलेक्शन हो, जब से हमने इलेक्शन देखा है हमने तो कभी इस तरीके का यानी देखा ही नहीं कि एक तरीके का आज देश का डेमोक्रेसी खतरे में, आज देश यानी किस तरफ जा रहा है, आप डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यानी अगर कोई कुछ बोले तो उस पर किस तरीके से केसेस बना दिए जा रहे, किस तरीके से नोटिसेस आ रही है, यानी पूरी तरीके से आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आपके पास उस बीच में ये एक मौका मिला है कि आप अपने वोट के अधिकार से यानी वो आवाज़ को वापस बुलंद करें, तो आप उसको इस्तेमाल करें। सही भाई, कल्याण लोकसभा की बात करें तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने जो इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार है वैशाली दरेकर, और अभी उसके अलावा एक बहुजन विकास से भी एक कोई उम्मीदवार है,
अभी कोई ऐसा एक मजबूत उम्मीदवार नहीं है कि किसको समर्थन किया जाए, किसको वोट दिया जाए, क्या कहेंगे? देखिए अभी जैसा हम लोग कल तक देख रहे थे कि सिर्फ दो ही उम्मीदवार का यहाँ पर नाम चल रहा था, अभी आज तीसरा आया है, बहुजन समाज से भी आज एक कोई जमील करके नाम है उनका आया है। तो अभी देखते हैं, 3 तारीख तक का टाइम है, इंशाल्लाह ताला हम बता देना MIM पूरी तरीके से उतरेगी, हम अपना पूरा किरदार निभाएंगे हमारे शहर पर। देखिए हम इस बार BJP मुक्त करने के लिए हम भी रोडों पर आएंगे, हम भी लोगों से आह्वान का अपील करेंगे। तो कोई अच्छा कैंडिडेट अगर 3 तारीख तक आ जाता है या इनमें से जो भी रहेगा हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। MIM खुलकर बताएगी और खुलकर काम करेगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ MIM के वोटर्स, MIM के चाहने वाले इस शहर में काफ़ी है। जी देखिए MIM के चाहने वाले काफ़ी है, हमको यानी पता है कि यानी आज यहाँ पर मोर देना 70% हमारे वोटर्स है, जो वोटर्स हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ ना कि हम खुल करके बात करेंगे, और हम खुल के अभी भी मैं बोल ही रहा हूँ कि आपको BJP के अगेंस्ट अगर आपको कोई अच्छा यानी कैंडिडेट दिखता है कि जो जीत सकता है, आप लोग उसे वोट करिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे MIM का कैंडिडेट नहीं है या हमारी तरफ से कैंडिडेट नहीं आया लेकिन तो हम वोट को यानी ज़ाया कर दे, ये गलती ना करें आप। हमको अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करना है, हमको वोट डालना है, वोट बहुत बड़ी ताकत है हमारी। यही आपका आज का एक वोट आपके यानी कल जो आपके खिलाफ सांसद में फैसला ये लोग लाने की कोशिश करें उसको रोक सकता है। तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं MIM के टोटल वोटरों से अपील करूंगा कि सोच समझ करके इस बार इंशाल्लाह ताला हमको फॉलो करें, हम यानी अपडेट देंगे कि क्या करना है, और आप सोच के इस बार BJP मुक्त करने के लिए वोट करें। ये थे हमारे साथ में MIM के अध्यक्ष सैफ पठान। जिस तरीके से आज जो देश का माहौल है उस माहौल को देखते हुए ये जो इलेक्शन है बहुत ही अहम माना जा रहा है, वहीं खास करके मुस्लिम समुदाय में इसको लेके काफ़ी जोश नज़र आ रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार मोदी जैसे दूर रखने के लिए ये इलेक्शन में वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है और अपनी ताकत को दिखाना बहुत ज़रूरी। अब देखना यह है कि आने वाले जो चरण के चुनाव है उसमें लोग किस तरीके से बढ़ चढ़ कर वोट करते हैं। और वही बात अगर हम उमरा के कल्याण लोकसभा की करें तो यहाँ भी अक्सर वोटिंग का परसेंटेज, ये एक बहुत क्षेत्र है, खास करके यहाँ से भी वोटिंग ज़्यादा होती है और कोशिश यही रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे MIM ने साफ तौर पे कहा कि उनका अभी हाई कमान की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है, 3 तारीख के बाद भी अगर जो भी उनका फैसला आएगा उसके बाद वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। फिलहाल फिर अगले एक खबर के लिए हम दोबारा साहब भाई से बात करने की कोशिश करें कि आगे उनका किस तरीके से रुझान होगा, किसको समर्थन करेंगे और किस तरीके से ये वोटिंग आगे करेंगे।